मानव विकास संगठन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस से जो संबंधित क्वेश्चन है वो कुछ 100 टाइप क्वेश्चन है। 4-5 सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत में आज चुनाव आम चुनाव कब हुए सबसे पहले 1952 ईस्वी में, प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल की प्रभुत्व रहा, कौन सा दल जो है बार बार आता रहा कांग्रेस, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे, और प्रथम आम चुनाव में लोकसभा में कितनी सीटें थी, 489 सीटें थी, 489। तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, 4-5 क्वेश्चन जो है आपने देखने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के, और इसमें से आपने लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न करने हैं कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं, ये देखना है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपने तैयार करने, और हिंदी का काम आपने करना है। जो कविता हमारी चल रही थी बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, और सीधी बात कहाँ तक बिगड़ी, ये दूसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट देखिए, सीधी बात कहाँ तक बिगड़ी, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपने क्वेश्चन करना है, हिस्ट्री का जो ऐसे टाइप क्वेश्चन दो पहले दिए थे पिछली वीडियो में, और अब जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन करना है कि अशोक की कलिंग विजय के प्रमुख कारण तथा परिणामों की विशेषताएं बताओ, उसके क्या कारण थे, कलिंग युद्ध के क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए, इसके बारे में आपने यही क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने हैं इसके, पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में मेगस्थीन के विवरण पर प्रकाश डालिए, मेगस्थीनीज जो पाटलिपुत्र के बारे में जो है उसके प्रशासन के बारे में उन्होंने क्या लिखा, उसके विवरण का वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए उस पर। दूसरा क्वेश्चन, कनिष्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कनिष्क के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और संगम साहित्य पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 3 क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में मेगस्थीनीज के विवरण पर प्रकाश डालिए, दूसरा कनिष्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, और अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य पर भी एक टिप्पणी लिखिए। ये हिस्ट्री के इतिहास के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और इंग्लिश का आपने पोएम्स है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम्स का जो स्टैंजा है उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। एक स्टैंजा है उसमें जो यहाँ से शुरू होगा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर्स विजिटर, कि सबका यह जो है गवर्नर है इंस्पेक्टर्स है कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्हें जो गरीब बच्चों के ऊपर जो है सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और लैंग्वेज इन द सन, लास्ट में यह है कि लैंग्वेज इन द सन इस स्टैंजे में पंक्ति है, तो इसका आपने जो है क्वेश्चन आंसर इस स्टैंजे के करने हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स और सेक्शन चेंज, दो एप्लीकेशन आपने लिखनी है। कई बार जो है दूसरे पार्ट में एक एप्लीकेशन जो है ईजी सी कोई एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो आपने जो है तैयार करनी है प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन एक तो सेक्शन चेंज और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो प्यारे बच्चों ये काम जो है आपने करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है मेन पॉइंट्स को, और इन्हीं क्वेश्चनों को फिर हम डिटेल में जो है वो करेंगे।